दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बड़े कंफ्यूज हो रखे हैं कि जो हाल ही में स्कूलों की छुट्टियां पड़ी है वो पोल्यूशन के कारण पड़ी है या सर्दी के कारण। सुबह सुबह आप देखोगे तो कोहरे के साथ साथ में ज़बरदस्त कड़ाके की ठंड है, दिन में देखोगे तो कड़ाके की गर्मी है, पसीने छूट रहे हैं। अब भैया सर्दी की छुट्टी है या पोल्यूशन की है, बट सवाल ये है कि अब स्कूल खुलेंगे कब। ठीक है, बहुत सारे मैसेज कमेंट्स आ रहे थे हमारे पास, इस वीडियो से आपका ये वाला डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयरिंग कर दो अपने सभी दोस्तों ग्रुप में ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आपको एजुकेशनल पल पल की अपडेट हमारे चैनल पे मिलती रहती है, तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। पहले प्राइमरी की छुट्टी पड़ी 5वीं तक और पॉल्यूशन बढ़ा तो 10वीं और 12वीं को छोड़ करके सभी के स्कूल बंद कर दिए गए और ज़्यादा संभावना लगी पॉल्यूशन की। तो भैया कोर्ट ने सीधा कहा, दिल्ली सरकार को फटकार लगाई कि भैया आप बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। पढ़ाई अपनी जगह ठीक है लेकिन बच्चों की सेहत ज़रूरी है, लिहाजा स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया जाए। तो शिक्षा विभाग ने, दिल्ली सरकार ने तो 10वीं और 12वीं के स्कूलों को खोला ही था लेकिन कोर्ट के आदेश के कारण स्कूलों को तुरंत बंद करना पड़ा और 10वीं 12वीं के भी बंद हो गए। इसका मतलब पहली से लेकर के 12वीं तक सभी के बंद हो गए। अब बचे थे टीचर्स, तो भैया टीचर्स ने क्या बिगाड़ा था, फिर से एक सर्कुलर आया कि भैया टीचर्स को भी 50-50% ऑड इवन करके स्कूल बुलाया जाएगा, 50% घर से और 50% स्कूल से काम करेंगे। ठीक है, पढ़ाई को नुकसान ना हो, पढ़ाई की दिक्कत ना हो, क्योंकि दिल्ली की अगर मैं बात करूँ सरकारी स्कूलों में तो 12 तारीख से प्री बोर्ड भी हैं और इसी तरह से CBSE की भी डेट शीट आ गई है, तो जल्दी एग्ज़ाम भी है भाई, सिलेबस भी करवाना है, पढ़ाना भी है, तैयारी भी करवानी है और प्री बोर्ड और बोर्ड की तैयारी भी हमें करनी है। तो भैया पढ़ाई आपकी ऑनलाइन चलेगी और ऑनलाइन पढ़ाई भी आज के टाइम में बढ़िया हो गई है, स्टूडेंट्स समझ चुके हैं, पेरेंट्स को भी एक हैबिट हो गई है और टीचर्स भी स्मार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन टीचिंग को लेकर के। खैर, पढ़ाई आपकी कैसी हो रही है ऑनलाइन, आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर रखें। आपकी पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना अंतर है और कौन सा आपको मोड अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं कि स्कूल खुलेंगे कब। देखिए लेवल है, प्राइमरी बंद हुई, फिर 9th और 11th तक सभी बंद हो गए, फिर 10th और 12th की बंद हो गए। इसका मतलब है सीरियस मामला, भाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। तो कोर्ट कब इंटरफेयर करता है, जब मामला गंभीर होता है, तो कोर्ट ने बंद करवा दिए। इसका मतलब कोर्ट ऐसे ही डिसीजन नहीं देता, है पॉल्यूशन और आप देखोगे तो कुछ दिन से मौसम थोड़ा साफ साफ सा दिखाई दे रहा है। क्यों, इसका रीज़न है क्योंकि भैया सरकारी और प्राइवेट दिल्ली के सभी स्कूल बंद कर दिए, तो जो पॉल्यूशन कम हुआ है ना, इतनी सारी गाड़ियां जाती थी बच्चों को छोड़ने के लिए लाने के लिए, तो एक बच्चे को छोड़ने के लिए पेरेंट्स जाते थे फिर आते थे, फिर उसे लाने के लिए जाते थे आते थे, तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन तो बढ़ ही गई। और जब ये चार चक्कर पेरेंट्स के बंद हो गए तो पॉल्यूशन कम हो गया ऑब्वियसली, तो ये तो आप समझ सकते हैं। अब अगर स्कूलों को दोबारा से खोल दिया जाता है तो ये फिर से पेरेंट्स का जो आना जाना है वो चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगा तो फिर से पॉल्यूशन बढ़ जाएगा और बढ़ने की संभावना है। फिलहाल थोड़ा कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है पॉल्यूशन, अभी भी आई थिंक 300-400 के करीब है और ये भी थोड़ा सा खतरा ही है। अब वो हमें फील नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती वो अंदर हमें धीरे धीरे असर करती है और कुछ चीज़ें होती हमें फ्रंट में दिखाई देती है, तो ऐसा ही कुछ पॉल्यूशन का भी है। फिलहाल आप स्टडी को करके रखिए, जहाँ तक संभावना लग रही है, जो मौसम साफ का एक नज़ारा दिख रहा है, तो शुक्रवार और शनिवार, तो संडे तक थोड़ा वेट कीजिए। आई होप कि संडे की इवनिंग को कुछ हद तक स्कूलों को खोल दिया जाए, जिसमें धीरे धीरे या तो 10th और 12th को पहले खोलेंगे, फिर 6ठी से लेकर के और 12वीं तक को खोलेंगे और फिर मौसम ठीक ठाक रहेगा तो प्राइमरी को भी स्कूल बुलाया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि प्राइमरी को बुलाया जाए और उसी बीच फिर से ठंड बढ़ जाए। तो भैया प्राइमरी वालों की तो होती ऐसी है ना, वो जाते और आते हैं, ठंड से भी ज़्यादा बचाना है उन्हें, पॉल्यूशन से भी बचाना है, गर्मी से भी बचाना है, भाई पढ़ाई भी करवानी है, तो इसलिए जो ऑनलाइन मोड है वो परफेक्ट तरीका है। आप मल्टीपल टीचर्स आपको मिल जाते हैं, आप यूट्यूब से पढ़िए, आप ऑनलाइन पढ़िए, तो सोर्सेज आज के टाइम में बहुत सारे हो गए हैं, पढ़ने वाला हर जगह पढ़ेगा, ना पढ़ने वालों को आप स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास में रख दो, उसने तब भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, और जो पढ़ने वाले बच्चे वो ऑनलाइन क्लास का भी भरपूर मज़ा ले रहे हैं,
आनंद ले रहे हैं और बेनिफिट भी ले रहे हैं। भैया आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी क्लास कौन सी है और आप ऑनलाइन क्लास में कितना कंफर्टेबल हैं और आपको स्कूल खुलने का कितना इंतज़ार है। हालांकि कई सारे बच्चों को फ़ोन नहीं मिलता है क्योंकि पेरेंट्स ड्यूटी जाते हैं। कई सारे बच्चों की शिकायत होती है कि भाई मेरी बहन भी पढ़ रही है, मेरा भाई भी पढ़ रहा है, तो ये हौसपोसा होता है, बट फिर भी मैनेज तो करना ही पड़ेगा। हमारे चैनल पे हिंदी की परफेक्ट तैयारी करवाई जाती है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे, आप जाकर के वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। बाकी कुछ और भी डाउट कन्फ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम से संपर्क कर सकते हैं, नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। संभावना है मंडे से स्कूल खुलने की और ये भी धीरे धीरे करके ही खोला जाएगा। अब ये देखा जाएगा भाई पॉल्यूशन, फिर से स्कूल खुलते तो बढ़ भी सकता है और पॉल्यूशन पर ही डिपेंड कर रहा है। बाकी कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो सर्दियों की छुट्टियाँ पड़ती है उनको इधर एडजस्ट करके और आपको पॉल्यूशन में सर्दियों की छुट्टियाँ दे दी जाए और फिर सर्दियों में स्कूल खुल जाए, कुछ भी हो सकता है। बाकी देखते हैं भाई, अगली अपडेट के साथ आप इंतज़ार कीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटा जरूर दबा दे और नोटिफिकेशन के साथ। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।